प्यारे दोस्तों, ये है नरेंद्र मोदी जी, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये गौरव पंडित नेहरू जी के बाद आदरणीय माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। लेकिन वाजपेयी जी में और मोदी जी में एक फर्क बहुत ही स्पष्ट दिखता है। वाजपेयी जी सच बोलते थे, विपक्ष के कमियों को बड़े सम्मानित ढंग से प्रस्तुत करते थे, लेकिन मोदी जी इतना ज़्यादा प्रहार करते हैं मेरे भाई, इतना कठोर शब्दों में तिरस्कृत करते हैं कि विपक्ष तो इनका दुश्मन ही बन गया है। इनके खिलाफ तरह तरह के साजिश, तरह तरह से इनको अपमानित करने के लिए हजारों गालियां, तो ये फर्क स्पष्ट है। और मोदी जी उसी जगह से हैं जहाँ की हर्षी मेहता हुए थे, जो कहते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे अपकार करे जो मन अभिमान नहाने रे, सहज लोक माँ सहुने बंदे निंदा न करे केनी रे। यार, मैं भी दुखी हो जाता हूँ दूसरों की कुविचारों पर, दुर्गतियों पर, उनके विनाशकारी प्रवृत्ति पर मुझे काफ़ी दुख होता है, लेकिन कभी भी उस दुष्ट का भी भावना का मैं हनन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। और यही हो रहा है आज की राजनीति में, दुश्मनी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि चल सके और बन सके तो एक दूसरे का संहार ही कर देंगे। जब भी मोदी जी पार्लियामेंट में विशेष अवसर पर बोलते हैं तो उखाड़ के फेंक देते हैं भाई, और विपक्षी पार्टियां पार्लियामेंट हाउस छोड़ के चली जाती है या हु करता है राहुल गांधी के लीडरशिप में। मैं निवेदन करता हूं, विपक्ष और सत्ताधारी दोनों देश की व्यवस्था के दो अंग हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का उत्तरदायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश को महानतम बनाने के लिए, यहाँ की भाइयों बहनों बेटी बेटों की खुशहाली के लिए सहयोग की भावना से कार्य करें तो बेहतर हो सकता है। अलायंस पार्टनर में दम होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, क्योंकि मैं क्वालिटी सर्कल का भी सदस्य रहा हूँ और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट का एक बहुत ही विख्यात महान व्यक्ति रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छे सलाह जरूर दे सकते हैं। जुग जुग जियो मोदी जी और राहुल जी, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।